दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि एक्टिंग में प्लानिंग होती है, सब कुछ प्लान्ड होता है, एक्शंस प्लान्ड होते हैं, इमोशंस प्लान्ड होते हैं, मोमेंट्स प्लान्ड होते हैं। हाँ, डिपेंड करता है कि प्लानिंग किस लेवल की। तो एज एन एक्टर पहले हमें प्लान करना पड़ता है, एक एक चीज प्लान करनी पड़ती है कि हमें क्या बोलना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, और फिर उस चीज को कैमरे के सामने, ऑडियंस के सामने बिल्कुल नेचुरल तरीके से परफॉर्म करना पड़ता है। इस तरह से जैसे बिल्कुल नेचुरल लगे, ये ना लगे कि नहीं हम एक्टिंग कर रहे हैं, हम सोच के कर रहे हैं, या वो चीज हमने पहले से प्लान की। इसके लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए, और बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, कोई भी सिचुएशन लीजिए, कुछ सोचिए, कुछ प्लान कीजिए और उसको परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। कुछ भी सिचुएशन ले सकते हैं कि भी सपोज किसी पुलिस वाले ने आपकी गाड़ी पकड़ ली, आप उसको पैसा खिला रहे हैं, वो कैसे बात करता है, आप कैसे बात करते हैं, अरे साहब छोड़ दो ना साहब, साहब देख लो ना, अरे साहब जाने दो ना साहब, या आप चार दोस्तों में बैठे हैं, आपने ड्रिंक की हुई है और किसी बात पे बहस हो गई, अरे यार तुम छोड़ो यार, जाने दो यार, क्या है यार, सर ए बोलना नहीं, चलो बोलना मैं सर सर देख, या किसी से झगड़ा हो गया आपका, बे साले तू समझता नहीं क्या, बे तेरे को बोला क्या मैंने यार, ए बोलना नहीं, बोलना नहीं, देख देख बोल रहा हूँ, सुन तू बोलना नहीं बिल्कुल बस। या जैसे किसी पुलिस वाले ने आपको पकड़ लिया है और आप सब 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 कुछ नहीं किया, सब सब छोड़ दो, सब 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 जाने दो ना, सब सब गलती हो गया सब, प्लीज सब 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 आपके पांव पड़ता हूँ सब। तो आप कुछ भी सिचुएशन ले सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, और सोचने के बाद उस सिचुएशन को डिजाइन कीजिए, 2 मिनट 5 मिनट कितना देर आप उसको परफॉर्म करेंगे, फील करने की कोशिश, वो सिचुएशन को फील कीजिए, उसको परफॉर्म कीजिए, और उसके बाद जब आप करेंगे या तो उसको मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कीजिए या दोस्तों के सामने परफॉर्म कीजिए, और फिर उसको खुद ऑब्जर्व कीजिए देख के कि भाई इसमें कहाँ क्या कमी है, कैसे कर सकते हैं। हमारा मेन मकसद है कि फीलिंग आनी चाहिए, जो भी आप कर रहे हैं उसको फील करके करें। तो जैसे कैरेक्टर की फील आएगी, सिचुएशन के हिसाब से आप फील करना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये पता चलेगा कि नहीं प्लानिंग कैसे करना है, फील कैसे करना है। तो आज हम देखेंगे कि भाई एक कलाकार जब 2 कैरेक्टर्स को परफॉर्म करता है, 2 कैरेक्टर्स को जीता है, तो दोनों कैरेक्टर्स में वो कैसे अलग अलग फील करता है। ठीक है, तो जैसे हमने अभी कल एक्सरसाइज में ये देखा कि एक्टिंग में प्लानिंग होती है, अब प्लानिंग के साथ साथ फीलिंग की भी जरूरत है, जो भी आप करते हैं उसको फील करके करें। प्लान तो करना ही है, बट प्लान के साथ साथ फील करना है, उसको नेचुरल दिखाना है। तो प्लानिंग और फीलिंग कैसे होगी, अलग अलग कैरेक्टर्स को कैसे फील करेंगे, वो आज हम देखेंगे। तो अभी क्या करना है जी, मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ जी। ये जो कैमरा है ये आपका फ्रेंड है जी। एक कैरेक्टर आप करेंगे और दूसरा कैरेक्टर आपको ये सोचना है कि ये कैमरा है जी। आप जो भी बोलेंगे या जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा, आपको ये फील करना है कि सामने से आपको उसका रिप्लाई मिल रहा है, उसका जवाब मिल रहा है जी। तो सिचुएशन ये है कि आप 2 दोस्त हैं, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कुछ पैसा उधार दिया हुआ है, काफी टाइम हो गया और आज उसको पैसे की बहुत जरूरत है, तो वो दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पैसा मांगने गया है। कुछ भी सिचुएशन आप ले सकते हो, मम्मी बीमार है, फीस भरनी है जी, फादर का इलाज, कुछ भी वो जो आप सोचोगे। तो पहले आपको ये कैरेक्टर करना है कि ये आप पैसा मांगने जा रहे हैं जी, और जो सामने वाला दोस्त है वो पैसा दे नहीं रहा, वो ना अनुकूल कर रहा। धीरे धीरे आपको गुस्सा आता है, आप परेशान भी हैं, आपको गुस्सा भी आता है, और फिर एकदम आप हाइपर हो जाते हैं, बिल्कुल झगड़े वाली बात, बिल्कुल उस लेवल तक, लाउड तक लेके जाना है। ये कैरेक्टर करने के बाद फिर जो दूसरा कैरेक्टर है आप उसमें आ जाएंगे जी, के मींस
दोस्त आया है आपसे पैसे मांगने जी, और आपके पास पैसा है नहीं या आप देना नहीं चाह रहे जी, तो उस तरीके से कहने मैं दे दूंगा और ऐसा वैसा, वहां भी वो तो दोनों कैरेक्टर करवाने का मतलब ये है कि जब आदमी किसी भी कैरेक्टर में जाता है तो हर कैरेक्टर का एक अलग फील होता है जी। जब आप पहला कैरेक्टर करेंगे तो आप अलग ढंग से आपकी फीलिंग होगी, अलग इमोशंस होंगे, जब दूसरा कैरेक्टर में आप जाएंगे तो उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स अलग जी। तो ये एक्सरसाइज करने का हमारा मतलब ये है कि प्लानिंग के साथ साथ कैरेक्टर्स को और इमोशंस को कैसे फील करना, उसमें कैसे जाना, ठीक है स्टार्ट करें। कैसे भाई, यार तेरे को इतने फ़ोन किए यार, तू फ़ोन नहीं उठा रहा अभी, बहुत मुश्किल से आया हूँ। अरे हाँ यार भाई, मैंने तेरे को फ़ोन किया था परसों, याद है तेरे को? हाँ यार एक्चुअल में, हाँ यार पैसों की ज़रूरत है, प्लीज़ कर दे यार भाई। ये क्या मतलब हुआ भाई, तू ऐसे कैसे यार? तेरे को पता है कितनी प्रॉब्लम चल रही है, दीदी की शादी है घर पे यार, पैसे तो चाहिए ना भाई। यार मजाक वाली बात नहीं है भाई, पैसे चाहिए यार, मैंने तेरे को दिए थे यार, तूने दो महीने के बाद की थी, साल भर हो गया, पैसे चाहिए यार, और 50,000 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो भाई इसमें मेरी क्या गलती है भाई, मैंने तो पैसे दिए ना तुझे यार, तू जरूरत थी तुझको, तू प्रॉब्लम में था, मैंने तेरी हेल्प की यार, तू मेरी हेल्प भी करेगा क्या? और मेरी बहन की शादी की बात है यार, यहाँ पर शादी की बात हो रही है, तू ये उल्टी बातें क्या कर रहा है? मैंने बोला तेरे को, मैं तेरे को आज तक बोला कभी, घर पे जरूरत है तभी बोल रहा हूं ना, एहसान वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं देख, लेकिन मुझे पैसे चाहिए भाई, तू मेरे को पैसे देना है, तो भाई पैसे मेरे ही तो है, मैं अपने पैसे मांग रहा हूं, तुझसे थोड़ी उधार मांग रहा हूं भाई, इसका क्या मतलब है यार? देख रुकने का टाइम नहीं है यहां पर, शादी रुकवा दूं क्या? क्या फालतू बातें कर रहा है, मुझे मेरा पैसा चाहिए, मैं बता रहा हूं तुझे, मुझे अभी चाहिए यार, क्या मतलब है इसका भाई? मुझे मेरे पैसे चाहिए यार, अभी के अभी, कुछ भी हो जाए, नहीं तो हंगामा करूंगा मैं। तू बात ही अच्छी कर रहा है, चिल्लाने वाली, तुझे जरूरत थी मैं तेरी हेल्प करी, तू इतना घटिया आदमी निकला यार, मुझे पता नहीं था, मैं देता ही नहीं तुझे कभी पैसे। और भाई मेरी बहन की शादी है यार, तेरे को राखी बांधती है मेरी बहन, भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं तेरे, मेरे पैसे दे दे यार, ये क्या बकवास करने जा रहा है तू भाई? नहीं, मुझे मेरे पैसे अभी चाहिए, कुछ भी हो जाए अभी चाहिए, तू अपने पापा से मांग, अपने चाचा से मांग, मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को मेरे पैसे अभी चाहिए भाई। शादी की बात हो रही है, दिमाग मत खराब करियो, मैं बता रहा हूं तुझे, देख ले, मैं बता रहा हूं, तू जानता है फिर, हाँ क्या क्या कर लेगा बता, मैं अपने पैसे मांग रहा हूं तुझसे, तुझसे उधार नहीं मांग रहा हूं भाई, क्या फालतू की बातें कर रहा है? देख अब मेरा दिमाग मत खराब कर, मैं बता रहा हूं तुझे, देख लफड़ा होगा फालतू में, बहुत तगड़ी बात जाएगी, और अभी मैं कुछ नहीं चाहता, मेरी बहन की शादी है, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, मेरे पैसे मुझे वापस कर दे प्लीज। देखा आपने, जब एक कलाकार किसी कैरेक्टर को, किसी सिचुएशन को फील करके जब करता है तो कितना नेचुरल होता है। तो एग्जैक्टली तुमको लग रहा था कि तुम्हारे पैसे ले रखे हैं उसने? सर शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को लगा था कि होगी, हाँ, बट हुई नहीं, और जाते जाते फ्लो में चला गया। फ्लो में चले गए, तो आप एग्जैक्टली वो सिचुएशन में चले गए? हाँ जी, मतलब बोलते बोलते तो बोलते बोलते चले गए। फिर जो आपकी लाइन्स हैं, जो आपके डायलॉग्स हैं, जो आप बोल रहे थे, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ रहा था? हाँ जी बिल्कुल, अपने आप जी। तो देखा आपने कि जब एक कलाकार किसी सिचुएशन को फील करता है तो चीजें अपने आप होती हैं, और कितनी नेचुरल होती हैं ये आपने देख लिया, और कैरेक्टर का फील क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। तो अभी जैसे तुमने ये कैरेक्टर प्ले किया कि तुम पैसा मांग रहे हो जी, अभी तुमको क्या करना है, जस्ट अपोजिट करना है, अपोजिट ये करना है कि तुम्हारे से पैसा मांगने आया है और उसकी बहन की शादी है और पैसा मांग रहा है, और वो तुम्हारी देने की इच्छा नहीं पैसे, ओके है, और तुम किसी भी तरह से उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो, टालना है उसको। तो ये करने का मतलब ये है कि भाई पहला कैरेक्टर किया तो आपकी फीलिंग क्या है, और जब ये कैरेक्टर करेंगे तो आपकी फीलिंग क्या है, टोटली माइंड का जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है दोनों में अलग रहेगा, ठीक है बस भाई बढ़िया। और चलो, हाँ भाई परसों किया तो था तूने फोन लेकिन यार बात ये है अभी ना पैसे हैं नहीं यार, अब भाई यार थोड़ी तंगी चल रही है, थोड़ी प्रॉब्लम है, समझा करना। हाँ हाँ भाई पता है मुझको दीदी की शादी है, लेकिन यार भाई अभी है नहीं तो कहाँ से दूँ।
हाँ हाँ बिल्कुल यार भाई, लेकिन है नहीं तो कहाँ से दूँ यार। भाई मैं मानता हूँ तूने मेरी हेल्प करी है, लेकिन यार अभी नहीं है यार, क्या करूँ मैं बता ना। भाई यार चिल्ला क्यों रहा है यार, तू तो एहसान जता रहा है यार। नहीं भाई बात ही ऐसी कर रहा है यार तू। अब मैं बोल तो रहा हूँ भाई, थोड़ा सा टाइम दे मेरे को, मतलब थोड़ा सा रुकना यार, थोड़ा सा रुकना। अरे भाई मैं तेरे को तेरी बहन की शादी रुकवाने को नहीं बोल रहा हूँ यार, तू थोड़ा तो टाइम दे यार, समझा करना यार, अभी है नहीं यार, क्या करूँ बता ना। भाई यार तू चिल्ला क्यों रहा है यार, भाई घर है मेरा, क्यों हंगामा कर रहा है, सब लोग हैं यहाँ पे, अभी मेरे पास नहीं है यार, समझा करना यार। अबे नहीं है भाई, कहाँ से तू भाई। नहीं भाई यार तू उल्टी बात कर रहा है यार, तू ये ऐसे यार क्या तरीका हुआ यार बात करने का। पापा चाचा से मांगने होते तो तुझसे क्यों मांगता पहले। अरे समझा करना यार भाई, है नहीं यार। भाई यार तू उल्टी बात क्यों कर रहा है यार, क्या मतलब, ये क्या मतलब हुआ यार, हंगामा करेगा यार, लफड़ा करेगा यार। तो भाई यार दोस्त है यार, थोड़ा समझा करना। अरे देख 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 तू तू आगे बता, देख मैं बता रहा हूँ, देख तू आराम से रह, आराम से रह, रुकना यार भाई, समझा करना यार, नहीं है वैसे, क्या करूँ यार। यार भाई देख लफड़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लफड़े तू 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 देख गुस्सा मत हो, लफड़े वाली बात नहीं कर रहा हूँ भैया, समझा कर यार, समझा कर। तो देखा आपने, जब एक कलाकार दो कैरेक्टर्स को परफॉर्म करता है, अलग अलग कैरेक्टर्स को, तो उसके इमोशंस और बॉडी लैंग्वेज फीलिंग्स कैसे चेंज होते हैं। अच्छा जब दूसरा कैरेक्टर तुमने किया तो कैसा लगा। सर वही थोड़ा शाना थोड़ा तेज है अपने काम निकालने के लिए। हाँ वो एग्जैक्टली वो फीलिंग आ रही थी, लग रहा था कि हाँ यार जी बिल्कुल। तो होता क्या है, जब कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी कलाकार कैरेक्टर को प्ले करता है तो एग्जैक्टली वो फीलिंग डेवलप होने लग जाती है, और वो बहुत ज़रूरी है। आप जब भी कुछ करते हैं तो वो फील आना, उस सिचुएशन में जाना, वो बहुत ज़रूरी है। तो आप इस तरह से कोई सिचुएशन सोचिए, दो कैरेक्टर्स सोचिए, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले कीजिए, अलग 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 कैरेक्टर्स को फील कीजिए, अलग अलग इमोशंस को फील कीजिए, और उनको फिर परफॉर्म कीजिए नेचुरल फीलिंग के साथ, कितना नेचुरली आप कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फीलिंग डेवलप करने में आसानी होगी, धीरे धीरे आप, शुरुआत में अगर प्रॉब्लम होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसको आप कंटिन्यू करेंगे धीरे धीरे वो फीलिंग्स आपके अंदर आने शुरू। और फीलिंग जो है वो एक्टिंग का बीज है, सीड है। फीलिंग डेवलप होगी तो एक्सप्रेशन अपने आप नेचुरल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फील कीजिए, प्लान कीजिए, फिर फील कीजिए, फिर उसको एक्सप्रेस कीजिए। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक यही था कि किस तरह से कैरेक्टर्स को, सिचुएशंस को प्लान करना है, कैरेक्टर्स को फील करना है, इमेजिन करना।